बिग बॉस 15 में शमिता शेट्टी के बॉयफ्रेंड राकेश बापट की हाल ही में एंट्री हुई थी। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि राकेश बापट अब शो से बाहर आ चुके हैं। शो में आते ही राकेश को देखकर शारा के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए थे। बिग बॉस OTT में शमिता और राकेश की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। शायद इसी वजह से बिग बॉस के मेकर्स एक बार फिर से राकेश बापट को सीजन 15 में लेकर आए ताकि फैंस शमिता और राकेश की लव स्टोरी को देख सके। शमिता और राकेश को बिग बॉस के घर के अंदर एक डेट पर जाते हुए भी देखा गया था, जिसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। शमिता और राकेश के फैंस काफी खुश थे, लेकिन अब हम आपको बता दें कि राकेश शो से बाहर आ चुके हैं। उन्हें शो से एलिमिनेट नहीं किया गया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। कल से लाइव फीड में दिखाया जा रहा था कि राकेश बापट की तबीयत खराब है और अब कहा जा रहा है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया है। जी हां, आपने सही सुना, राकेश बापट हॉस्पिटल में एडमिटेड है। कहा जा रहा है कि उन्हें बिग बॉस के घर में किडनी स्टोन्स का पेन हुआ, जिस वजह से उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और इस वजह से वो एक दिन से बिग बॉस के घर के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। फैंस चाहते हैं कि राकेश बापट जल्द से जल्द ठीक होकर वापस से इस घर में आए और शमिता के साथ उन्हें उनका रोमांस देखने को मिले।